क्या आप जानते हैं एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? बिल्कुल सही, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इट इज़ नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके दो ग्रुप हैं एस वन कॉन्फिग्रेशन एंड एस टू। ठीक है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लिथियम की फैमिली, बेरिलियम की फैमिली हो गई सेकेंड वाली। तो लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक और बेरिलियम से लेके रेडियम तक, ये दोनों ही ग्रुप जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप वन के अंदर देखो कौन कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रेंसियम। तो टोटल 6 मेंबर्स। और इसमें से हाइड्रोजन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ कॉन्फिग्रेशन में इसको फॉलो करती है, प्रॉपर्टीज़ में नहीं। तो ये रहे टोटल ग्रुप के मेंबर्स। इनमें से लिथियम इट इज़ द फर्स्ट मेंबर, मोस्ट अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मिलता है ये। और फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, बिल्कुल कम क्वांटिटी में इसको हम ढूंढ पाए हैं क्योंकि इसका अपना हाफ लाइफ पीरियड ही बहुत कम है, जस्ट 21 मिनट्स। तो आपको पता है इनको हम अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स? क्योंकि जब हम इसको पानी में डालते हैं, पानी में घोलते हैं, तो ये बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, मींस अल्केलाइन सॉल्यूशंस देते हैं। सोडियम से बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो हाइड्रोक्साइड आयंस थे उसको हम बोलेंगे अल्कली, तो इसलिए इनको हमने कहा अल्कली मेटल्स। और आपको पता है इनका जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें अगर हम इंडिकेटर डालते हैं फिनॉल फिथिलीन तो वो पिंक कलर देता है। तो देखो जैसे ही फिनॉल फिथिलीन डाली, कलर पिंक, मींस इसमें OH नेगेटिव आयंस हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 10, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर ग्रुप 1 एंड 2। हम इन दोनों ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 1 के बारे में। और आपको पता है ग्रुप 1 इट इज नोन एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 इज अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 इज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं इनकी बाकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो अल्कली मेटल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स? अल्कली मींस अल्केलाइन सॉल्यूशंस, बेसिक सॉल्यूशंस। तो ये जो मेटल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, दे डिजॉल्व रेडिली, एकदम से घुल जाते हैं। दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं विच आर अल्केलाइन इन नेचर, और हम कहें तो बेसिक इन नेचर। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। इसका एक रीजन और है। एक्चुअली अल्कली इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड मीन्स अल्कली। इट वॉज अल्कली। अल्कली मीन्स एशेज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की एशेज हैं जिसमें से इनिशियली बिगनिंग में सोडियम और पोटेशियम को सेपरेट किया गया था। सोडियम एंड पोटेशियम दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम एशेज ऑफ प्लांट्स, राइट? ओके, अब इसकी अबंडेंस की बात करें तो इसके अंदर पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, तो लिथियम, लिथियम इट इज द 35th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर इट इज 35th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। टॉकिंग अबाउट सोडियम, सोडियम इज द 7th एंड पोटेशियम इट इज द 8th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ओके, दोनों की परसेंटेज, सोडियम इट इज 2.8%, पोटेशियम इज 2.6% बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। देन बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है दे आर इन ट्रेसेस फ्रेंसियम। द लास्ट मेंबर इट इज रेडियो एक्टिव, इसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। इसका हाफ लाइफ पीरियड जस्ट 21 मिनट्स। तो एक इसका मॉलिक्यूल लाइव रहता है, जीता है सिर्फ 21 मिनट्स के लिए, उसके बाद इट विल डिसइंटीग्रेट। तो अगर स्टेबल होता तभी तो आप इसकी प्रॉपर्टीज समझ पाते, पढ़ पाते।
तो ये थी इसकी रिलेटिव अबंडेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन, मींस एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप वन। आज हम करने वाले हैं ग्रुप वन एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स के मेंबर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। माइंड इट, फर्स्ट ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन भी रहती है बट वो एल्कली मेटल्स में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज अ टिपिकल नॉन मेटल्स। ओके, तो सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसको हमने यहां रखा था। आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीजें समझ के आए हो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इनकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैं टेकअप करने वाली हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज 1s2, 2s1, देन सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, काउंट कर लीजिए। इसी तरीके से रुबीडियम का आ जाएगा 5s1, सीजियम का आ जाएगा 6s1 और फ्रेंसियम विल बी 7s1। तो आप इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सभी का इलेक्ट्रॉन s1 में आ रहा है विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे को मूव करते हैं, देर इज एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। लिथियम में इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आया, तो सोडियम में थर्ड में, पोटेशियम में फोर्थ में, लाइक दैट। तो मैं अगर ये कहूं कि इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन इट इज NS1, तो सभी की जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, जस्ट नीचे जाते जाते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही चेंज कर रहा है। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप वन की क्या रही? NS1। डन, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई। मैं उसको यहीं से कोरिलेट करती हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियाई। ओके, अब देखो लिथियम के अंदर है टू शेल्स। ओके, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूं। एटॉमिक रेडियाई, ओके, तो देखें लिथियम फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। मैं और शॉर्ट कर देती हूं थोड़ा इसको। ये रहा न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में एक। लिथियम के बाद आया सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल के अंदर। ओके, लेट मी सी, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, सेकेंड शेल 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम इट इज हैविंग फोर शेल्स, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर किया। ओके, 1, 2, 3, 4। रुबीडियम देखते हैं, रुबीडियम यहां पहुंच जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट सीजियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप क्या देख रहे हो, ऊपर से नीचे को जाते हुए साइज बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, है ना? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं। इसके अंदर है टू शेल्स, थ्री शेल्स, फोर शेल्स, फाइव शेल्स एंड सिक्स शेल्स। सेवंथ वाला मैंने नहीं बनाया। तो दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। एवरी स्टेप, हर स्टेप के ऊपर देयर इज एडिशन ऑफ न्यू शेल। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू द न्यू शेल। न्यू शेल्स एड हुई मींस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सर्दी का मौसम है ना, एक स्वेटर पहना, उसके ऊपर एक और स्वेटर पहना, फिर एक जैकेट पहन ली और हम इतने मोटू हो जाते हैं, ऐसे कुछ सामान भी पकड़ा नहीं जाता। ऐसे ही तो एक के ऊपर एक परत चढ़ती जा रही है, लाइक
कैबेज, बंद गोभी, आप उसका एक पत्ता हटाओ, दूसरा पत्ता हटाओ, तीसरा पत्ता हटाओ, तो ये पत्ते लिपटे हुए हैं। जितने ज्यादा पत्ते लिपटे होंगे बंद गोभी उतनी ही मोटी होगी, तो जितने पत्ते कम आप हटाते जाओगे अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। तो ये न्यू शेल्स ऐड होते जा रही हैं, उस वजह से जो इसका एटॉमिक रेडियाई है, व्हाट विल हैपन टू दैट, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मैं जस्ट इसको हटा देती हूं क्योंकि इसकी मुझे अभी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप टू टू लाइंस की जो भी एक्सप्लेनेशन आप लोग लिखेंगे, इसकी मुझे जरूरत रहेगी अभी। तो देखिए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द न्यू शेल, दैट इज देयर इज एडिशन ऑफ, देयर इज इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑन एवरी स्टेप, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज। और खास बात क्या है, अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर एल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइजेस और एटॉमिक रेडियाई, लार्जेस्ट साइजेस और एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। अपने अपने पीरियड में सबसे बड़ा साइज किन का है, अल्कली मेटल्स का। क्योंकि जब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हो, लेफ्ट में साइज बड़ा है, राइट को जाते हुए इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल, उसकी वजह से इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, और आउटर मोस्ट शेल्स वो जो टाइटली हेल्ड होती हैं अंदर की साइड को, तो साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग क्योंकि सेम शेल में है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हर स्टेप के ऊपर एक नई शेल ऐड हो जा रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है। और एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा कि सबसे पीरियड के अंदर, अपने अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर अल्कली मेटल्स के एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियाई सबसे बड़े हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। देखो, पीरियोडिक टेबल को अगर मैं जस्ट एक रफ बात आपसे करूं, तो ऊपर से नीचे को एटॉमिक रेडियाई इधर को करता है इंक्रीज और इधर को करता है डिक्रीज, तो आपको ग्रुप वन का लास्ट मेंबर लेना पड़ेगा, दैट इज फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है, बट ये बहुत देर तक स्टेबल नहीं रहता, तो हम किसको लेंगे, सीजियम को, क्योंकि सीजियम इज वर्केबल, सीजियम को हम यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर, फ्रेंसियम को तो हम ज्यादा स्टडी भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इट विल बी ऑफ सीजियम, क्योंकि फ्रेंसियम की स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये था एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक के बाद नेक्स्ट इज आयोनिक रेडियाई। अब आयोनिक रेडियाई, जितने भी एलिमेंट्स आपने देखे इसके अंदर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, सभी के आउटरमोस्ट शेल में देयर इज वन इलेक्ट्रॉन, इनकी जनरल कॉन्फिगरेशन इज NS1। और अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, दे विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और ये बनाते हैं मोनोवेलेंट केटायंस। अगर मैं लिथियम की बात करूं, 1s2 2s1, इसने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, बना लिथियम पॉजिटिव, तो कॉन्फिग्रेशन 1s2। ये रहा सोडियम, 1s2 2s2 2p6 3s1, इसने एक इलेक्ट्रॉन हटाया, ये शेल चली गई, ये शेल चली गई, तो इट विल बी 2s2 2p6। इसकी थी तीन शेल्स, जब ये वन पॉजिटिव बना तो कितनी रह गई, टू शेल्स।
मतलब कहने का सभी की आउटर मोस्ट शेल उड़ गई। जब इन्होंने आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तब इनका आया आयनिक रेडियाई, क्योंकि ये बनाते हैं केटाइन, ठीक है। तो सभी की आउटर मोस्ट शेल ये लीजिए मैंने उड़ा दी, अब ये एटॉमिक की जगह क्या बन गया, नाउ दिस इज आयनिक रेडियाई एंड लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो सभी का ट्रेंड सेम, सभी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हटा, सभी की एक एक शेल उड़ गई, लेकिन शेल हटाने के बाद दे हैव अटेंड कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फिग्रेशन को इन्होंने एक्वायर कर लिया, मतलब आयनिक रेडियाई इनका हम बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, स्टेबल रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद दे आर एक्वायरिंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ट्रेंड वही रहेगा, डाउन द ग्रुप इनका आयनिक रेडियाई आपके सामने है, ठीक है। आयनिक रेडियाई, ठीक है, दे फॉर्म के टाइम आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरी की पूरी शेल ही हटा दी, एंड एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। देयर आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियाई भी एटॉमिक रेडियाई की तरह डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर शेल हटी है तो सभी की हटी है, सभी सेम केटाइन बनाते हैं, और केटाइन कौन सा बनाते हैं, मोनोवेलेंट, क्लियर। तो ये हो गया एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके, लिथियम 1s2 2s1, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, नेक्स्ट 5s1 6s1 एंड 7s1, ठीक है। अब मुझे बात करनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। लिथियम के अंदर देयर आर प्रेजेंट टू शेल्स, सोडियम के अंदर 3 शेल्स, इसके अंदर 4 शेल्स, इसके अंदर 5 6 7, ओके। जितनी नंबर ऑफ शेल्स ऐड होती जाएंगी इनका साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। देखिए, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस बाय 1, दैट इज देयर इज एडिशन ऑफ न्यू शेल ऑन एवरी स्टेप ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, क्लियर बात, ओके। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई, इसका मतलब अगर एडिशन ऑफ न्यू शेल, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, देयर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, देयर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो लार्जर इज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग शेल्स, मोर विल बी स्क्रीनिंग
इफेक्ट. देयरफॉर अब एक तो साइज बढ़ गया, डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में बढ़ गया, पहली बात. दूसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन. इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कौन है? ये रही न्यूक्लियस, यहां है न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस यहां खत्म हुआ, ये आई फर्स्ट शेल, ये आई सेकेंड शेल. ठीक है, सेकेंड शेल के अंदर दो घर हैं भाई, 2s2 2p6. फिर ये आई थर्ड शेल. ठीक, तो इन दोनों की शेल को मैं कॉमन एरिया में ले लेती हूं, लेट इट बी. ये इन दोनों की शेल. ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो हमने हटाना है. तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो दो शेल्स हैं, दीज आर नोन एज इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इंटरवीनिंग शेल. जो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में होगा, अगर मान लो 3s2 होता, तो 3s2 में से हटाना था हमने एक इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं करेगा. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल डू नॉट शील्ड, वो शील्ड नहीं करता. ठीक है, तो यहां पे देखें पोटेशियम, ये रहा पोटेशियम का न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियस खत्म. ये रही फर्स्ट शेल, ये रही सेकेंड शेल, ये रही थर्ड शेल, और फोर्थ शेल का इलेक्ट्रॉन हमने हटाना है. तो वही इंटरवीनिंग शेल्स भी बढ़ रही हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं. तो उसकी वजह से इंटरवीनिंग बढ़े तो लार्जर इज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग शेल, मोर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट. अरे जितनी शेल्स अंदर होंगी ना, उतनी इलेक्ट्रॉन्स भी होंगी, तो उतना ही प्रोटेक्शन होगी सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उस इलेक्ट्रॉन को हटाना आसान. ठीक है, तो लार्जर इज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग शेल्स, मोर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, देयरफॉर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लीस्ट, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम ईजी. ठीक, तो अब आप ये देखिए, इसका मतलब जितना साइज बढ़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना बढ़ेगा. ठीक है, न्यू शेल आती जा रही है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, दैट इज साइज इंक्रीजेस. ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता जा रहा है. इसका मतलब हमें कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए. ठीक है, दस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मैं वैल्यूज भी शेयर करती हूं. अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम इट्स अ मदर, और ये जो 4s1 में इलेक्ट्रॉन है, इट इज शरारती बच्चा, दिस इज द चाइल्ड. मदर ने इसकी पिटाई करनी है, ठीक है, इसकी मम्मा इसकी पिटाई करने वाली है, लेकिन घर में ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, चाचा है, चाची है, दादी है, बुआ है, सारे जने एक ही घर में हैं, इकट्ठे हो रखे किसी फंक्शन के लिए. तो आप मेरे को बताओ, जब इतने लोग इंटरवीनिंग होंगे, इतने लोग इंटरफेयर करेंगे, अरे भाई बच्चे को मत मारो, तो मदर की अप्रोच बच्चे तक कम हो जाएगी और बच्चा भाग जाएगा, मार से बच जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब जितनी इंटरवीनिंग होगी उतना ही होल्ड कम होगा, तो इसका न्यूक्लियस इसको पकड़ नहीं पाता और ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है कम एनर्जी के साथ, राइट. अब डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है, आपने देख लिया साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जिस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो है वो भी डिक्रीज करती है. अब देखिए, मैंने आपको बोला था इनकी वैल्यूज मैं शेयर करती हूं. लिथियम इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट, इट इज हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, देयरफॉर हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. सीजियम इट इज हैविंग लार्जेस्ट साइज, देयरफॉर लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन साइज. कैसे? लार्जर इज द साइज, लार्जर इज द साइज, मोर विल बी डिस्टेंस बिटवीन
न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस विल बी लेसर एंड लेसर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी. बात वही है जो मैंने उधर बताई है, समझ आ गई बात. तो इधर से इधर को जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज. क्यों? क्योंकि साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज. इससे पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करूं, मैं एक क्वेश्चन आपसे शेयर करना चाहती हूं दैट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स आर वेरी हाई. देखो ये क्वेश्चन आपको कॉमन आ सकता है, या मैं ये कहूं दैट IE1 ऑफ सोडियम इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू IE2 ऑफ सोडियम. ठीक है, देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज. और हमेशा जो जितना हायर है आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी. रीजन मैं जनरल बात करूंगी फिर इस पे आती. जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन देती है और बन जाता है मोनोवेलेंट केटायन, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम है. अगर ये है ए तो ये भी क्या है, ए. एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए A-1, और प्रोटॉन्स कितने हैं, ए. इलेक्ट्रॉन कम रह गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इट मींस न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा हो गया. देयरफॉर न्यूक्लियस होल्ड इज मोर, तो साइज डिक्रीजेस, इस केटायन का साइज कम हो गया. चलो एक और इलेक्ट्रॉन हटाते हैं. अब आपको इलेक्ट्रॉन हटाना है केटायन में से जिसमें न्यूक्लियस का होल्ड पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, फिर भी हमने जबरदस्ती हटा दिया, बन गया 2+. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, A-2, और प्रोटॉन कितने हैं, A. मतलब अगर ये हैं 11 तो ये अब रह गए 9. तो 11 पुलिस वालों ने 9 थीव्स को कंट्रोल करना है, बड़े अच्छे से कर लेंगे. ठीक है, मतलब कहने का कि फर्स्ट टाइम आप सारा कुछ नॉर्मल, आप एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटा लोगे, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी. ठीक है, थर्ड हटाने के लिए आपको और ज्यादा लगानी पड़ेगी. तो ये तो जनरल बात थी कि सक्सेशन के अंदर जितना आप बढ़ते जाओगे, वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग. अब हम सोडियम की बात करें. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. ओके, तो जब हमने ये रहा 2s2 2p 6 3s1 1s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाया, इट विल फॉर्म सोडियम पॉजिटिव. चलो मैं अगली साइड लिख लेती हूँ, +1 इलेक्ट्रॉन. तो जो एनर्जी लगी, दिस इज IE1, मतलब इसका जो डेल्टा एच है दैट इज IE, इट विल बी पॉजिटिव. एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी. वेल, अब ये इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, लेकिन जब ये बना सोडियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दीज आर स्टिल 11. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो जरा, 1s2 2s2 2p6. अरे वाह, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई. इट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी नियरेस्ट है नियॉन. तो अब आपको जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाना है, इफ यू हैव टू मेक सोडियम 2+, यू हैव टू मेक Na2+, यू हैव टू सप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो हर एलिमेंट का सपना होता है, डिजायर होता है, आइदर बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. उनको अल्टीमेटली क्या बनाना है, यस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन हटाया, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, इट वाज जस्ट 496 किलोजाउल पर मोल. और इसको हटाते ही सोडियम पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हो गई नोबल गैस. बस वही, अब नहीं करना कुछ भी, मुझे यही तो बनना था. ठीक है ना, यही इसका सपना था, यही इसका जो भी ड्रीम था. लेकिन
चलो जबरदस्ती करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और हटाना, मुझे Na2 पॉजिटिव बनाना ही बनाना है। देन यू हैव टू सप्लाई 4562 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जस्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। नॉट ओनली फ्रॉम सोडियम, मैं आपको कंपैरेटिव देती हूं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है। आप कंपेयर करके देखिए, इवन रफली इट इज 10 times, सिर्फ डबल नहीं है, इट इज 10 times, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब करना है एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस वजह से जर्नल आपको आता है तो आप इस तरीके से उसको नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, मैं हल्का सा आपको कंपैरिजन देती हूँ डिफरेंट अल्कली मेटल्स का। वी आर हैविंग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो IE1 एंड IE2 इट वॉज 520, 496 एंड पोटेशियम वॉज 419, 403 एंड 376। और इसकी अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आप देखें तो इट इज 7298। लिथियम इज 7298 एंड देन 4562। इन केस ऑफ पोटेशियम इट इज 3051 एंड इन केस ऑफ रुबिडियम इट इज 2633 एंड सीजियम इट इज 2230। तो आप देख सकते हो कितनी हाई है, ऑलमोस्ट 8 to 10 times ज्यादा, जस्ट बिकॉज जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगा दी जाती है दे फॉर्म मोनोवेलेंट केटायन विद नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ लिथियम का कंपैरिजन आए, सोडियम का आए, किसी का भी आए, रीजन यही रहेगा। डन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए ये रही इनकी वैल्यूज, लिथियम की है 1, सोडियम 0.9, दोनों की 0.8 एंड सीजियम इज 0.7। क्योंकि दीज आर टिपिकल मेटल्स, दे डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं है, बिकॉज दीज आर मेटल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करेंगी नहीं, नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, ठीक है। सो ड्यू टू, अब आपको एक चीज और पता होगी, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज, दैट इज स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज, मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन, फॉन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है, इट इज हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखता है, अपनों को ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉन्डेड स्टेट, कि दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को ज्यादा होंगे। जैसे ये मैं दोनों हाइड्रोजन्स लूं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, दोनों दे आर नियर टू फ्लोरीन, तो फ्लोरीन विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर हम अल्कली मेटल्स की हम बात करें तो दे आर वेरी वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड आपने देख लिया, तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे, अल्कली मेटल्स हैव लार्जेस्ट साइजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर लीस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, एज साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो इट वॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से आएगी, जब हम सारे आयंस को हटा देते हैं, ठीक है। इट्स अ चार्ज, तो अल्कली मेटल्स दे आर हैविंग जर्नल कॉन्फिगरेशन NS1। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं दे फॉर्म मोनोवेलेंट केटायंस, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हटाते ही क्या बन जाते हैं, दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सो दे फॉर्म मोनोवेलेंट केटायन, ठीक है। अल्कली मेटल्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वेलेंस शेल, सबसे बाहर वाली शेल के अंदर दे आर हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, देयरफॉर सो दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, देयरफॉर द अल्कली मेटल्स फॉर्म मोनोवेलेंट केटायन एंड मोनोवेलेंट केटायन विच हैव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये मैं बहुत बार पहले लिख के बता दिया आपको, ठीक है। दस ऑलवेज शो, हमेशा ऑलवेज शो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। आप कोई भी ले लीजिए, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। आप लोगों ने जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर, वहां एक रूल लिखा था हमने, दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज प्लस वन। ये ना तो प्लस टू दिखाएंगी ना माइनस वन दिखाएंगी, ठीक है। सो इट वॉज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दीज आर हाईली हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज किया और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, लाइक एम पॉजिटिव। कोई भी आप ले लो, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव एक्सेट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इनका बड़ा ज्यादा रहता है, बिकॉज दे रेडिली लूज वन इलेक्ट्रॉन, रेडिली लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करके दे एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, सो दे आर हाईली हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऑल्सो ड्यू टू लार्जेस्ट साइजेस देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लीस्ट, सो रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन। इसको भी ऐड कीजिए, एकदम से इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनाते हैं, क्यों, ड्यू टू लार्जेस्ट साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लीस्ट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा ना जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, और इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो इट वॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमेशा प्लस वन ही दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर। ओके चलो मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, देखिए मेटेलिक कैरेक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कर्नल। मींस मेटल का जो पॉजिटिव पोर्शन है अंदर, दिस इज कॉल्ड कर्नल, ओके। और सबसे बाहर वाली शेल, जितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ज्यादा होंगे मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ कर्नल का मतलब आप आउटर मोस्ट शेल को कंसीडर ना करें, बाकी के पोर्शन को हम क्या कहेंगे, कर्नल, क्योंकि वो इसका साइज डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब अल्कली मेटल्स के अंदर देखो हाउ मेनी,
ये तो जनरल बात हो गई कि मेटालिक करेक्टर इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं एक जनरल सा अगर आपको ट्रेंड कहूं, दैट लार्जर इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉलर इज द साइज ऑफ कर्नल, मोर विल बी मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। दिस इज इन जनरल, ओके, इन जनरल। बट अल्कली मेटल्स में देखिए, इन अल्कली मेटल्स साइज ऑफ कैनल इज लार्ज, क्योंकि इनके साइजेस सबसे बड़े हैं। साइज ऑफ कैनल इज लार्ज एंड देयर इज ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस मेटेलिक कैरेक्टर इज वेरी लेस। दैट इज व्हाई अल्कली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। समझ आई बात? ये आपका क्वेश्चन भी है और ये रहा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर कम है। मेटेलिक करेक्टर कम क्यों है? अरे भाई, साइज बहुत बड़ा है कैर्नल का और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक। होता क्या है, ये रही एक मेटल एटम, ये रही दूसरी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, लेट इट बी कॉपर। कॉपर के अंदर आपको पता है कितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सिर्फ एक, ओके। अगर किसी के पास दूसरी मेटल अगर हम लेते हैं और उसके पास मेटल लेट इट बी बी और उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेट इट बी फाइव, तो उनके अंदर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा आएगी। तो जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। दिस इज द रीजन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मेटल्स सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, क्योंकि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये था मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखिए, ये मेरे पास वैल्यूज हैं लिथियम से लेके सीजियम तक, -506, 406, 330, 310 एंड 276। इनको माइनस का साइन लगा है, मींस ये एनर्जी बाहर जा रही है, दिस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी कब रिलीज हुई? ये मेरे पास कोई आयन है, ठीक है, और ये रहा वॉटर मॉलिक्यूल। मैं वॉटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाती हूं, ओके। ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ये रहा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक। इसका मतलब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना रही हूं तो ये वाला पोर्शन क्या है पॉजिटिव और ये वाला पोर्शन क्या है नेगेटिव, दिस पोर्शन विल बी नेगेटिव, ओके। अब ये कोई केटायन है, दिस इज अ केटायन, और इस केटायन को चारों तरफ से वॉटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया, कवर कर लिया। इसके साथ, इस केटायन के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लग सकते हैं? तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होगा ना, ऑक्सीजन इसकी तरफ और हाइड्रोजन बाहर को, क्योंकि जिधर हाइड्रोजन है वो पोर्शन है डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन वाला क्या है डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन। अब कितने मॉलिक्यूल इस केटायन को घेर सकते हैं वो डिसाइड करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी कितनी ज्यादा निकलेगी। लार्जर इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटिंग इट, उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बाहर जाएगी। अच्छा, अब यही थोड़ा ना कि सिर्फ केटायन की हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है। मेरे पास था सोडियम क्लोराइड, मैंने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, ओके। पानी के अंदर जाते ही सोडियम बना Na पॉजिटिव और क्लोरीन बना Cl नेगेटिव, ओके। तो सोडियम को भी पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया
और क्लोराइड को भी वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया। लेकिन किस तरीके से घेरेंगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, राइट? इधर ऑक्सीजन इधर और पॉजिटिव पोर्शन इधर। क्योंकि वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, तो इसके अंदर जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं इजीली घुल जाते हैं ना। दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, दिस पोर्शन इज नेगेटिव, दिस पोर्शन इज नेगेटिव, और हाइड्रोजन वाला पोर्शन क्या है? पॉजिटिव। तो इस तरीके से आयन्स पानी के अंदर स्टेबल हो जाते हैं। अब नमक का जब आप पानी में घोल देते हो, वो NaCl इकट्ठा क्यों नहीं रहता? पानी में जाते ही वो आयन्स में टूट जाता है, क्योंकि केटायन को भी वाटर मॉलिक्यूल्स कवर कर लेते हैं और क्लोराइड को भी। मींस Na पॉजिटिव इट गेट्स हाइड्रेटेड, Cl नेगेटिव इट आल्सो गेट हाइड्रेटेड। केटायन भी होता है, एनायन भी होता है, हाइड्रेशन दोनों की होती है, राइट? लेकिन एनायन का साइज नॉर्मली बड़ा होता है तो उसकी हाइड्रेशन कम रहेगी, केटायन का साइज स्मॉल होता है उसकी हाइड्रेशन ज्यादा। ये मैं सिर्फ आपको बता रही थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन। अच्छा, तो इट इज रिलीज्ड व्हेन अ आयन, आयन केटायन भी हो सकता है, एनायन भी, मैंने आपको बता दिया, टेक्स अप मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड गेट हाइड्रेटेड। इट इज एनर्जी जो रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और इन जनरल स्मॉलर इज द साइज, मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। जिसका साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक? एंड मोर इज हाइड्रेशन एनर्जी, मोर स्टेबल विल बी आयन। जितनी हाइड्रेशन एनर्जी बाहर जाएगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। डन। अब इनकी हम बात करें तो आप देखो, एज साइज ऑफ केटायन डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम वन पॉजिटिव टू सीजियम वन पॉजिटिव, लिथियम वन पॉजिटिव से सीजियम वन पॉजिटिव तक जाते जाते साइज डिक्रीज कर जाता है, देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी also decreases down the group. Clear? अच्छा, देखो आपके पास copper one positive, आपके पास copper two positive, मैं just hydration energy का concept बताने लगी आपको। copper, general copper, copper की configuration आप लोग जब लिखते हो, it is 4s1 3d10, इसी से ये दोनों बने। यहां आ गया 3d10 और यहां आ गया 3d9। नो डाउट ये वाली कॉन्फ़िगरेशन इट इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? फिल्ड, ये फुली फिल्ड है, इस वजह से सिमेट्रिकल है, इस वजह से स्टेबल है, राइट? दिस इज अनसिमेट्रिकल। बट इवन देन आपके पास जो कंपाउंड्स हैं, कॉपर टू पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन कॉपर वन पॉजिटिव। कॉपर टू के आप ज्यादा कंपाउंड्स पढ़ते हो, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड कम है, उसकी स्टेबिलिटी कम रहती है। रीजन, चाहे इसकी कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है, लेकिन जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उसका साइज उतना ही ज्यादा छोटा। तो साइज ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव इज स्मॉलर देन साइज ऑफ कॉपर वन पॉजिटिव, therefore hydration energy of copper 2 positive is greater than hydration energy of copper 1 positive। और क्योंकि ये energy release होती है system से बाहर जाती है, तो जितनी energy बाहर चले जाएगी system will be more stable, ठीक है ना? इसका मतलब इसीलिए copper 2 positive के जो compounds हैं they are more stable than copper 1 positive। तो hydration energy a very important concept आयंस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। सो इट वॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, अब आप देखो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इनका मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स इज लेस,
therefore their melting and boiling points are low. इनके melting और boiling points low हैं. क्यों? As size of alkali metals are large, therefore they have low binding energy. They have low binding energy, and due to lesser metallic character, they are soft. Therefore, having low melting points and boiling points. Done. Same explanation हमारी density के लिए रहेगी क्योंकि size ज्यादा है. ठीक है, अब अगर मैं इनके density की बात करूं, ठीक है, तो अब देखो, as size of alkali metals are large, they have low binding energy. Due to lesser metallic character, they are soft and have low mass per unit volume value. That is low density. ठीक है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मास बढ़ता जाता है एंड डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर इवन लेस डेंसर देन वॉटर. ये अगर आप पानी में फेंकेंगे तो ये डूबेंगे नहीं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं. ठीक है, means density of lithium, sodium and potassium, density of lithium, sodium and potassium are less than water. Therefore, they float on water. Right? No doubt आग पकड़ लेते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन density इनकी कम है पानी से. Okay. Now, very important reaction, that is coloration to the flame. आप लोगों ने कहां कहां देखी होगी ये coloration? देखो, अगर हम alkali metals के salts लेते हैं, coloration to the flame. Salts of alkali metals, when heated in flame, show characteristic color. They show characteristic colors. ठीक है, okay. अब color क्यों दिखाते हैं? ये मेरे पास electron है in ground state. Alkali metal का electron है, उसकी outermost shell. Okay. जैसे ही हमने इसको heat किया, it will get energy. This particular electron, it will get energy upon heating. ठीक, heat मिलते ही क्या करेगा? अपनी जगह से jump करेगा to higher state, that is called excited state. ये electron पहुंच गया इधर. ज्यादा देर यहां नहीं टिकेगा ये, थोड़ी देर के बाद it will come back. तो जितनी energy लेकर गया था उतनी energy ये emit कर देगा. Okay. अब ये जो एमिटेड एनर्जी है, दिस इज एमिटेड रेडिएशन, इट फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा. विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द रेडिएशन एब्सॉर्ब. जो रेडिएशन एब्सॉर्ब की है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज ऑब्जर्व्ड. ये रेडिएशन वो है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ये. अब हमारे पास जो alkali metals हैं, उनके कलर देखिए आप, दे शो वेरियस कलर्स. लिथियम इज क्रिम्सन रेड, रेड कलर. This is golden yellow. It shows golden yellow color. Potassium, it is pale violet.
रुबीडियम इज वॉयलेट, इट शोज वॉयलेट कलर एंड सीजियम इज ब्लू. रीजन पता चल गया. ओके, अब मैं एक और चीज आपको बताने वाली हूं. ठीक है, दिस इज कलर व्हील. वॉयलेट और इंडिगो मैं इकट्ठा ही रखूंगी, ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड. आपको पता है जितना डार्क कलर, ब्लू कलर की एनर्जी ज्यादा, लार्ज एनर्जी, और जितनी रेड फ्लेम होगी लोएस्ट एनर्जी. ठीक, VBGYOR. ओके, अब अगर लिथियम हमें रेड दिखाई दे रहा है, दिस इज रेड, रेड के ऑपोजिट कौन है? ग्रीन. इसका मतलब ये अगर रेड दिखाई दिया तो इसने एब्जॉर्ब कौन सा किया? ग्रीन लाइट. ग्रीन वाली रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब की. सोडियम अगर मुझे गोल्डन येलो दिखाई दे रहा है, मतलब इस जैसे एरिया में आएगा, तो इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है? विव क्योर, वॉयलेट और इंडिको. अगर वो गोल्डन येलो, ठीक है, सोडियम गोल्डन येलो दिखाई दे रहा है, इट मींस उसके ऑपोजिट कौन है? वॉयलेट. ठीक है, लिथियम ने कौन सा कलर दिखाई दिया? रेड. तो रेड के ऑपोजिट इट इज ग्रीन. ठीक है, तो कलर व्हील को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर कोई वॉयलेट दिखाई दे रहा है, इट मींस उसने कौन सा एब्जॉर्ब किया? येलो लाइट वाली रेडिएशन. और अगर कोई ब्लू दिखाई दे रहा है, तो उसने कौन सी एब्जॉर्ब की? ऑरेंज वाली. तो सीजियम ने ऑरेंज वाली एब्जॉर्ब की, ब्लू वाली एमिट की, तो आपको वो ब्लू कलर का दिखाई देगा. ठीक है, तो दिस इज द रीजन दैट अल्कली मेटल्स की, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, उस वजह से थोड़ा सा हीट करते ही जितना सा बंसन बर्नर पे एनर्जी चाहिए, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाएंगे, एनर्जी लेकर गए, जब वापिस आएंगे दे विल एमिट एनर्जी, और उस एमिटेड एनर्जी की रेडिएशन विजिबल रीजन में फॉल करेगी, क्योंकि हम सिर्फ वही कलर देख सकते हैं जो विजिबल रीजन में होंगे, अल्ट्रा वॉयलेट या उसके पार वाले हम नहीं देख पाएंगे. तो कलर व्हील से आप आइडिया लगा सकते हो कि इसने एब्जॉर्ब कौन सी की, मतलब रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू. इसके ऊपर, कलर व्हील के ऊपर फुल फ्लेज हमारा लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तो आप और देखना चाहें तो प्लस टू का वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, मुझे कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूंगी. अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन, इनके कलर अलग अलग क्यों आए? कलर तो ये दिखाते हैं. व्हाई लिथियम इज क्रिम्सन रेड एंड पोटेशियम इज पेल ब्लू वॉयलेट, सोडियम इज गोल्डन येलो, रुबीडियम इज वॉयलेट, क्यों आए अलग अलग कलर? क्योंकि सभी के साइजेस ऑफ अल्कली मेटल्स आर डिफरेंट. ठीक, देयरफॉर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, सो डिफरेंट एलिमेंट्स रिक्वायर डिफरेंट रेडिएशन विथ स्पेसिफिक एनर्जी टू एक्साइट द वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. उनको अलग अलग एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, और कलर व्हील में आपने देखा कि कौन सा कलर दिखाई दिया, मींस उसको एब्जॉर्ब कौन सा करना है. ठीक है, जितना कलर ब्लू की तरफ जाएगा, मींस उतनी लो एनर्जी वाली रेडिएशन उसको चाहिए, क्योंकि वो दिखा कौन सी रहा है? डार्क वाली. तो लो एनर्जी के ऊपर ही वो एक्साइट कर जाएगा. तो सीजियम ब्लू दिखाई दिया, ब्लू के ऑपोजिट क्या था? रेड. क्योंकि वो ब्लू दिखाई दे रहा है, तो उसके ऑपोजिट रेड रहेगा, लोएस्ट एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो ये था कलरेशन टू द फ्लेम. आप अल्कली मेटल्स की प्रेजेंस को किसी भी सैंपल में कैसे टेस्ट करेंगे? वी हैव अ टेस्ट दैट इज नोन एज फ्लेम टेस्ट. फ्लेम टेस्ट मतलब कलरेशन टू द फ्लेम. अगर आप इनके किसी भी सॉल्ट को ऐसे फ्लेम में हीट करोगे, आपको पर्टिकुलर कलर्स नजर आएंगे. अभी आप देख रहे हो ऑरेंज सा कलर दिखाई दे रहा है. ठीक है, हुआ क्या, अल्कली मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन ग्राउंड स्टेट, उसने एनर्जी ली जो उसको बंसन बर्नर से मिली हीट से, और वो पहुंच गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट में.
ठीक है, ज्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, जैसे वो वापस आया उतनी ही एनर्जी उसने एमिट की, एंड एमिटेड एनर्जी फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा, राइट, जो वो एब्जॉर्ब करके गया था. तो आपके सामने है, जैसे आप इसमें फ्लेम के अंदर, ये फ्लेम आपको ब्लू दिखाई दे रही है, ओके. तो जिस भी सैंपल को आप हीट करोगे, लिथियम को करते हो तो इट इज कैंडी एप्पल और क्रिम्सन रेड इसको बोलते हैं. सोडियम के अंदर देखो येलो कलर, गोल्डन येलो. और अगर आप पोटेशियम को हीट करते हो, इट विल गिव पेल वॉयलेट कलर. जितने भी आप पटाखे चलते हुए देखते हो, आतिशबाजी देखते हो, अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं ना, व्हाट आर दोज? सो जितने भी आतिशबाजी के अंदर आपको कलर्स दिखाई देते हैं, दे आर नथिंग बट डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स. तो दैट इज नथिंग बट फ्लेम टेस्ट. अलग, जैसे उनको फायर लगती है, अलग अलग कलर्स दिखाते हैं, ठीक है. तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम टेस्ट. इस तरीके से कौन सी फ्लेम क्या कलर दे रही है, फ्लेम के कलर के बेस पे आप अल्कली मेटल्स को पहचान सकते हैं, क्योंकि किसी का भी कलर आपस में मिक्स नहीं होगा. ये तीन कलर तो आप अपनी स्क्रीन पे अब भी देख रहे हो, ठीक है, क्रिम्सन रेड कलर लिथियम में, गोल्डन येलो सोडियम में, और पर्पल कलर पोटेशियम में. चलो एक एग्जांपल शेयर करती हूँ आपसे मैं. ये आपको देखा कि एक फैक्ट्री में धमाका हुआ और ग्रीन कलर की फ्लेम्स दिखाई दी, दिख रही हैं सबको. तो ये एम्प्लॉय है जो इसमें जख्मी हो गया, हर्ट हो गया, इसने रिपोर्ट लिखवाई कि क्योंकि ग्रीन फ्लेम्स मैंने देखी थी जिससे मैं इंजर्ड हुआ, इस टैंक में पोटेशियम नाइट्रेट भरा हुआ था जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ. तो क्या ये सच बोल रहा है? नहीं. आपको पता है पोटेशियम ये वाला कलर देता है, पर्पल कलर, या इसको लिलैक कलर बोलते हैं. तो वॉयलेट कलर है, लाइट पर्पल कलर है, तो उसमें तो ग्रीन कलर था. इट मींस एम्प्लॉय ने रिपोर्ट गलत दी. अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी यही चीज आई कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है. इट डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट वॉज इन चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. आपको रिफ्रेश करना है आइडिया को तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट खोलिए और वहां से वीडियो देखिए. व्हाट इज इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो मींस फोटोन, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन. ये कोई मेटल का सरफेस है, उसमें कैनल, इलेक्ट्रॉन कैनल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैनल, इलेक्ट्रॉन कैनल, राइट, इस तरीके से. जैसे ही फोटोन टकराया, दिस इज रेडिएशन, दिस इज फोटोन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ अ मेटल ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ अ फोटोन विथ सुटेबल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो देखो इलेक्ट्रॉन को हटाना है, मींस कंसेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी विल होल्ड गुड हियर, ठीक है. सो लेसर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इजियर विल बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किसकी होगी? जिसका साइज छोटा, जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है. एज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन साइज, लार्जर इज साइज, लेसर विल बी आयनाइजेशन एंथैल्पी, देयरफॉर More will be photo electric effect, right? This is general. On moving down the group, size increases. Therefore, ionization enthalpy decreases. Thus, photoelectric effect increases down the group. Photoelectric effect increases from
लिथियम टू सीजियम, लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ता जाता है एंड सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैं उसमें कौन सी अल्कली मेटल यूज होती है, आपके सेकेंड टर्म के पेपर में आया था, इट वॉज देयर नेम अल्कली मेटल, या सीधा था अल्कली मेटल विच इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम, इट वॉज सीजियम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी लीस्ट होगी, जिसकी सबसे कम होगी, दैट विल हैव द बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम ओवरऑल इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स दे आर इन ग्रुप वन, दे आर नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट इन नेचर, ओनली इन कंपाउंड्स, फ्री स्टेट में नहीं है, कंपाउंड्स में मिलती हैं इन कंबाइंड स्टेट। दे मस्ट बी स्टोर्ड अंडर ऑयल, क्योंकि जरा से भी पानी के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, दे कैच फायर। देन दे आर शाइनी सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल्स एंड कैन बी कट विद द टेबल नाइफ, जो चाकू आप नॉर्मली यूज करते हो आप उससे इसको काट सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती हैं, लाइक जैसे पेठा होता है ना, पेठा खाया है सबने, उस तरीके से आसानी से। तो दीज आर गुड कंडक्टर्स एंड दे विल फॉर्म ऑक्साइड ऑन आउटर सर्फेस, ये लेयर जो आपको दिखाई दे रही है इट इज टार्निश्ड, एक्चुअल तो वो सिल्की सिल्वर था, साइड में दिख रहा है आपको। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट्स फिजिकल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उसके अंदर डिस्कस करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। सो see you soon in next video, till then stay home, stay safe, and yes, complete your notes.